आज हम आपको बताते हैं संजय दत्त और माधुरी की प्रेम कहानी से जुड़ा एक किस्सा। दरअसल राम लखन के बाद सुभाष घई ने माधुरी को फिल्म खलनायक में कास्ट किया था, जब फिल्म के हीरो संजय दत्त थे, जबकि माधुरी की जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ बनाई गई थी। इस फिल्म से पहले फिल्म थानेदार में माधुरी और संजय दत्त साथ थे। फिल्म के सेट पर दोनों की नजदीकियां बढ़ी और कुछ समय बाद दोनों के अफेयर की चर्चा हर खबर हर मैगजीन में होने लगी। जब सुभाष घई ने माधुरी और संजय को फिल्म खलनायक में कास्ट किया तो उन्हें डर था कि कहीं फिल्म रिलीज से पहले दोनों शादी न कर लें। अगर दोनों फिल्म रिलीज से पहले शादी करते तो इसका सीधा असर खलनायक पर पड़ता, क्योंकि फिल्म में माधुरी जैकी के साथ थी। सुभाष घई दोनों की नजदीकियों से इतने चिंतित थे कि उन्होंने दोनों के बीच अजीबोगरीब कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार दोनों की फिल्म रिलीज से पहले शादी की इजाजत नहीं थी। दोनों तब ही शादी कर पाते जब फिल्म रिलीज होती। वहीं माधुरी से भी नो प्रेगनेंसी बॉन्ड साइन करवाया, लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट कांड में जेल जाने के बाद माधुरी ने संजय से दूरियां बढ़ा ली थी।